हरमाड़ा में कालाबाजारी का खेल फिर से शुरू। हरमाड़ा के दुकानदार 5 की चीज 10 में बेचकर कूट रहे हैं जमकर चांदी। प्रशासन बैठा मुक दर्शक। कोरोना की वजह से जयपुर हरमाड़ा सहित ग्रामीण इलाके में हुए 2 दिन के लॉकडाउन के बीच जयपुर सहित ग्रामीण क्षेत्रों में दुकानदार जबरदस्त महंगे सामान बेचकर चांदी कूट रहे हैं। इस दौरान आम उपयोग की चीजें जो खुली मिलती है वह तो महंगी बिक रही है, MRP लिखे हुए पैक वस्तुओं की भी कीमत अधिकतम खुदरा मूल्य से ज्यादा वसूली की जा रही है। राजधानी के एक सर्वे में पता चला है कि 60% लोग दुकानदारों को MRP से ज्यादा कीमत चुकाकर सामान खरीदा है। ग्राहकों का कहना है कि 2 दिन के लॉकडाउन में कोई उपाय भी नहीं है, बहुत दूर जा भी नहीं सकते, बाजार भी नहीं खुले हैं वहां से सामान ले आए, इसलिए मजबूरी में महंगे सामान खरीद कर घर में चुप बैठ जाना पड़ता है। हरमाड़ा में रहने वाले लोगों का कहना है कि पड़ोस के दुकानदार उनसे हर चीज की ज्यादा कीमत वसूल रहे हैं। आम दिनों में खुली जो सामान मिलता था उनके डबल रेट ले रहे हैं। दुकानदार जब दुकानदारों से पूछते हैं कि इतनी रेट क्यों ले रहे हो तो बोलते हैं कि लेना है तो लो, नहीं तो आगे चले जाओ। एक युवक जब MRP 5 रुपये लिखा हुआ था, जब ये चीज दुकानदार को दिखाई गई तो उसने सामान रख लिया और बोला कि माल नहीं है, जाओ कहीं और से ले लो। अब मजबूरी है क्योंकि दूसरी दुकान खुली नहीं है, तो वहीं से 5 रुपए की चीज 10 रुपए में लेना पड़ा।